देखो बेटा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है? ये हमने कर लिया है ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो तुम चाहे इसको मत लिखना, वहीं पे टिक कर लेना, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई सेल इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये भी हम कर चुके कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है, क्योंकि सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, तो स्ट्रक्चरल यूनिट है। और फंक्शनल यूनिट क्यों है, क्योंकि सारे जो सेल के फंक्शन हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म करती हैं, और बॉडी के फंक्शन सेल परफॉर्म करती है, ठीक है? तो ये भी हम लिख चुके हैं, वहीं टिक कर लेना। फिर हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, डिफ्यूज़न का प्रोसेस और ऑस्मोसिस का प्रोसेस, दोनों की डेफिनेशन मैं तुम्हें लिखवा चुकी हूँ, ठीक है? तुम क्वेश्चन लिख के डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस कर देना और यहाँ लिख देना डेफिनेशंस। ये डिफ्यूज़न के एग्जाम्पल में लिखवाया था ये सारा मैंने तुम्हें, ठीक है? तो वहीं पे टिक कर लेना कि क्वेश्चन नंबर 3 और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी मैं तुम्हें करा चुकी हूँ, ठीक है? Why is plasma membrane called selectively permeable? ये भी कर चुके हैं हम, ये भी नहीं लिखना है, इसको भी टिक कर लेना, इसको भी टिक कर लेना, ठीक है? Plasma membrane को सेमी परमीएबल क्यों कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को परमिट करती है, ठीक है? और वो कौन से सब्सटेंसेस हैं, अगर तुम्हें ये लिखना हो तो यहाँ से लिख देना, शुगर्स, अमीनो एसिड्स वगैरह, ठीक है, जो भी यहाँ शो किए गए हैं। तुम इसको इम्प्रूव करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है? तो ये सभी क्वेश्चंस बता दिए। हमें गैप फिल करने हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस बताए गए हैं, ये एनसीईआरटी में का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, और तुम्हें ये बताना है कि इसका न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है और यूकैरियोटिक का न्यूक्लियर रीजन तुम्हें बताया हुआ है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो पुअरली डिफाइंड होता है, यानी कि उसके ऊपर एनवलप नहीं होता, न्यूक्लियर एनवलप वो लिखेंगे आप। फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोट में क्या होती हैं, प्रेजेंट होंगी, ठीक है? ये लिखना है आपको, यह आपको नोटबुक में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम टू ऑर्गेनली विच हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? तो मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, इनके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है, और अपने राइबोसोम्स होते हैं जिसकी वजह से ये अपने प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को हम सेमी ऑटोनोमस कह सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, या फिर कह सकते हैं कि दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन? अगर ये कह रहे हैं कि सेल डैमेज हो जाती है किसी भी केमिकल या फिजिकल कारण से, तो क्या होगा? तो लाइसोसोम्स आएंगे, और जो लाइसोसोम्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो डैमेज्ड सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। Why are lysosomes are known as suicidal bags? ये हम कर चुके हैं पहले, इसको चाहे तुम नोटबुक में मत लिखना। What are the, वहीं पे टिक कर लेना जहाँ तुमने lysosomes लिखा है, वहीं टिक कर लेना कि क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। Where are proteins synthesized inside the cell? कहाँ ribosomes, जब ribosome कराए तो बताया था these are called as protein factories, ये आपको नोटबुक में करना है। देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। मेक अ कंपैरिजन टू राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। ये तो तुमने बेटा 8th क्लास में भी किया होगा, ठीक है? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस लिखने हैं। तुम कोई भी 5 डिफरेंसेस लिख लेना जो तुम्हें अच्छे से आते हैं और जो तुम्हें ईजी लगें, ठीक है? ये तुम अपनी 8th की नोटबुक से भी कर सकते हो। How is prokaryotic cell different from eukaryotic cell? Prokaryotes और eukaryotes के differences क्या हैं, ठीक है? वो
तुम वहाँ से कर सकते हो। एक आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस के बेस पर डिफरेंसेस शो कर रखे हैं, वहाँ से तुम, नेक्स्ट स्लाइड में है वो, वहाँ से तुम उसको कर सकते हो। ठीक है, दिया हुआ है, तुम समझ जाओगे। ये भी लिखना है नोटबुक में, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। क्या होगा, सारा साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, लाइसोसोम बर्स्ट करेंगे और सारे सेलुलर कंटेंट को डाइजेस्ट कर लेंगे। ये लिखना है नोटबुक में, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वॉज नो गोल्गी एपरेटस। तो यहाँ गोल्गी एपरेटस के फंक्शन आ जाएंगे सारे, कि गोल्गी एपरेटस के ये फंक्शन है, और अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो ये सारे फंक्शन सेल जो है वो कैरी आउट नहीं कर पाएगी। वही लिखना है, तो इसको चाहे तुम रहने देना, जहाँ गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस लिखे हुए हैं वहाँ क्वेश्चन टिक कर लेना, इस क्वेश्चन के नीचे आंसर लिख लेना कि फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस आएगा। विच ऑर्गेनली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं वाई, क्योंकि ये एटीपी का सिंथेसिस करता है। FOF1 पार्टिकल मैंने डायग्राम में बनाए थे जब तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया समझाया, वहाँ हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराया तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिपिड कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, लिपिड होते हैं स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और प्रोटीन्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये भी हम कर चुके हैं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डज़ अमीबा ऑब्टेन फूड, ये कर लेना। अमीबा के पास सूडोपोडिया होते हैं, वो फूड को एंगल्फ करेंगे सराउंडिंग से, ठीक है, फिर अपने फूड वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं उसको, और अनडाइजेस्टेड कंटेंट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये सब करना है आपको नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है, मैं बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। देखो, हमने एक ट्रफ लिया, ट्रफ का मतलब वाटर कंटेनर है कोई भी, और इसके अंदर हमने पोटैटो कप बना के रख दिया, यानी कि पोटैटो को लिया, उसको हाफ किया और उसके बीच में एक कैविटी बना दी, तो इस तरह का हमारे पास एक पोटैटो कप बन जाएगा। ठीक है, अब इस तरह के हमने 3-4 कप ले लिए। ठीक है, देखो, पोटैटो लिया, उसको पील किया, छील कर उसको हाफ कर लिया और इस तरह की कैविटी बना दी उसके अंदर, ये बन गया पोटैटो कप। इस तरह के हमने 4 पोटैटो कप लिए, उनमें से एक पोटैटो कप को हमने बॉयल कर लिया, ठीक है, बाकी 3 को बॉयल नहीं किया। फिर हम एक को एम्प्टी करके और इस वाटर कंटेनर में रख देते हैं। दूसरे में हमने क्या किया, हमने 1 चम्मच शुगर ऐड कर लिया, ठीक है। थर्ड में हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लिया, ठीक है, और फोर्थ में 1 टीस्पून शुगर ऐड किया, लेकिन वो कैसा था, बॉइल्ड था। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि वाटर जो है वो गैदर क्यों हो जाता है होलो पोर्शन में। ये जो बीच में होलो पोर्शन है सारा, जिसको मैं डार्क शो कर रही हूँ, इसमें वाटर गैदर क्यों हो जाता है। तो देखो, जो पोटैटो है अगर वो बॉइल्ड नहीं है तो उसकी सेल क्या है, लिविंग है, और लिविंग सेल्स क्या करेंगी, ओस्मोटिक फिनोमेना शो करेंगी। तो जो बाहर वाटर प्रेजेंट है सराउंडिंग में, ये वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन, यानी कि इनसाइड द पोटैटो कप मूव करेगा, और मूव करने के बाद वो वाटर लेवल कहाँ राइज कर जाएगा, इस तरह से जो होलो कैविटी है उसके अंदर, ये वाटर लेवल आ गया। Why is potato A necessary for the experiment? Potato A जो है हमारे पास वो control की तरह act करेगा, ठीक है। Control क्या होता है, ये original देखने के लिए, यानी कि अगर हम किसी भी तरह का concentrated solution नहीं डालते हैं, जैसे salt या sugar ना डालें, तो originally क्या phenomena happen होता है, उसको हम control कहते हैं। तो cup A जो हुआ वो control हुआ। फिर थर्ड पार्ट है,
एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ए और डी में ऐसा क्यों नहीं होता, जो कंट्रोल है उसमें भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ जहां हमने शुगर और सॉल्ट लिया है वहीं पर वाटर का मूवमेंट होगा, क्योंकि अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर अपनी ज़्यादा से अपनी लोअर की तरफ मूव करेगा, तो इस तरह से सिर्फ बी और सी में होगा। डी में नहीं होता और ए में नहीं होता। ए में इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कंट्रोल है, हमने कोई कंसंट्रेशन का चेंज अप्लाई नहीं किया है, वो अंदर से खाली है तो कोई कंसंट्रेशन डिफरेंस तो हमने रखा नहीं, तो वाटर मूव नहीं करेगा। डी में क्या है, बॉइल्ड पोटैटो है, बॉइलिंग के बाद सेल्स क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो बॉइल्ड सेल्स कभी भी ऑस्मोटिक फिनोमिना शो नहीं करती। ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, लिखना है ये वाला।